सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, वह अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 71वें पृष्ठ की 22वीं पंक्ति पर 120वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं, कहते हैं महायोगी, ए सेलर ऑन द इनकॉन्शियंस फेदमलेस सी ही वॉयेज थ्रू ए स्ट्रे वर्ल्ड ऑफ थॉट on matters day to a spiritual sun across the noise and multitudinous cry across the rapt unknowable silences through a strange mid-world under supernal skies beyond earth's longitudes and latitudes his goal is fixed outside all present maps. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जीवन प्रवाह से अंतहीन विकासोन्मुख प्रक्रिया के माध्यम से क्रम क्रमशः अत्यंत मंद गति से विकसित वर्धित होते हुए सतत बढ़ते चले जाने के अपने अभियान में भागवत संकल्प सिद्धि प्रयासरत अभिव्यक्त भागवत अंश स्वयं पर असत अचित अज्ञान का मापी अगाध सागर रूपी जल राशि धारण किए रहते होने पर जड़ से मानव तक विकसित होकर मानव में अपनी सीमित क्षमतावान इंद्रियों के द्वारा अनेक संभवित प्रयोगों से जीवन की सीमित काल शासित अवधि में जीवन दर जीवन काल सिंधु पर अपनी नश्वर नौका को पाते खोते पुनः पाकर अति विशाल काल सिंधु काया नाविक मल्लाह जड़ता के सत्ता स्तरों के जहाज की छत के अग्रभाग पर स्थित होकर अनंत शाश्वतता के सुदूर स्थित चमकीले सितारों पर दृष्टि जमा कर सर्वोत्तम विकसित यंत्र मन के सीमित प्रकाश से विचारों को संकल्प में बदलकर सुदूर स्थित निराकार शाश्वत ईश्वरीय सूर्य सम
अभिव्यक्त रूपों आकारों में बन जाने का दृढ़ संकल्प नश्वर छाती में संकल्प लेकर सतत ऊर्ध्व विकसित होकर बढ़ते जाने का अथक प्रयास करता ही जाता है, अनेक जन्म जन्मांतरों की यात्रा करते हुए शाश्वत का यह दिव्यांचनंत दूरी की यात्रा का यात्री जितना भी आगे बढ़ पाता है, लक्ष्य फिर भी अत्यंत दूर ही बना हुआ पाता है। फिर भी शाश्वत सूर्य की चमक से सदैव मोहित आकर्षित बना रहकर अगाध काल सिंधु में अपने जड़ता के सीमित क्षमताओं वाली इंद्रियों के माध्यम से काल थपेड़े खाते संघर्ष रतर सतत आत्म सूर्य की दिशी बढ़ता ही चला जाता है। नश्वर मानव का सुनिश्चित शाश्वत लक्ष्य तो नश्वर क्रियाकलापों के बाह्य स्तरीय कोलाहल और बहुविध चीत्कारों से परिपूर्ण धरती एवं ब्रह्मांड जीवन के जगत के परे परालोक के आनंद मग्न और ज्ञानातीत निगूढ़ नीरवताओं को भी लांग कर पार कर जाने पर उसके मन की सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमत्ता के सर्वोच्च स्तर को भी अतिक्रमण करके विश्व के ऊपर ऊर्ध्व उन्नतर परा व्योमों की परमात्मा के नीचे एक विलक्षण मध्य लोक से होकर लक्ष्य तक पहुंचने की दुरूह अंतहीन प्रतीति होती, जिससे वह सतत विकासोन्मुख क्रिया जिसमें सृजन आरंभ से प्रादुर्भूत जड़ से मानवता तक के अर्ध विकसित रूपायन के अक्षांशों देशांतरों के वृत्तों से भी ऊपर उठकर विकास के अब तक के वर्तमान प्रकृति के देखे वाले खींचे गए नक्शों के भी परे उस पार मानव की शाश्वतता से विकसित होकर अंतिम शाश्वतता रूपायन सोपान का अंचला अनदेखा आधा विकास का अंतहीन प्रतीत होता सा यह काल सिंधु मार्ग का अंतिम छोर तो बहुत दूर ऊपर सुदूर स्थित है, जो पूर्णतया निश्चित तथा सुनिर्धारित लक्ष्य ही है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, इन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो,
तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराया। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।